मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी बीवी की जो चीजें हैं वो आपके पड़ोसी पिंकी ने चुराया है। क्या बात कर रही है मैडम, पिंकी तो मेरी वाइफ है। क्या? अरे ये थोड़ी ना है मेरी वाइफ, मेरी वाइफ तो वो शीना है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अकेली सी पड़ गई थी बिचारी, इसलिए मॉरल सपोर्ट के लिए चला आया। बहुत ज्यादा दयालु हैं आप। थैंक यू। मतलब आप शीना के पति हैं और आप पिंकी के पति हैं? जी हाँ। मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, जाइए अपनी अपनी बीवियों के पास। और ये सारा चोरी का मामला है। अरे पहले तो छोटा छोटा चीज का चोरी होता था, पर कल तो मेरा नेकलेस ही चोरी हो गया और मेरी स्कूटी भी। ठीक है, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी सामान चोरी हुआ है, प्लीज आप अपनी रिपोर्ट में लिखवा दीजिए। हम आपका सामान और चोर दोनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अरे ढूंढना क्या है मैडम, ये खड़ी है ना चोरनी। हम कह रहे ना किसी ने चोरी की, पकड़ो इसको, ये चोरनी है। इंस्पेक्टर आप इसकी फालतू बातों में मत आइए, आप जरा इसे ना अरेस्ट कीजिए, थर्ड डिग्री दीजिए, अपने आप बक देगी कि कहाँ रखती है चोरी का सामान। अरे चुप, तू चोर, तू चुप कर, बिल्कुल मैनर्स नहीं है, पता नहीं क्या बोलती रहती है चौल वाली औरत। शांत 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 हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। चीता और संतोष प्लीज इनका रिपोर्ट लिखिए जाकर। इधर आइए, इधर, सॉरी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे आंटी जी यहाँ पे इस तरफ। अरे आंटी किसको बोल रही हो? आंटी दिख रही हो क्या? करिश्मा सिंह, सबसे पहले तफ्तीश की शुरुआत हमें उनके घर से करनी होगी, वहीं पर मिलेगा हमें कोई ना कोई सुराग। मैडम सर आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए, इस केस को हम अपने तरीका से समझेंगे। जय हिंद। आइए करिश्मा मैडम, सब रेडी है, हमारे बिरादरी के चोर लोग एकदम रेडी है, आप पूछताछ कर सकते हैं। करिश्मा मैडम, द न्यू SHO है उधर। हाँ एक ही बार पूछेंगे, जवाब दे देना नहीं तो खाना पड़ेगा। मैडम ये बहुत भुक्कड़ है, ऐसे ही खाते रहेंगे का? ए, बिल्ले बिल्ले क्या रे, ये भी खाते रहेंगे का? क्या है देखो। कल ही एक घोड़े को थोड़ा सा खिला करना चेक किए हैं, अब तक भाग रहा है, 36 दर्जन लोग उसके पीछे दौड़े हैं उसको पकड़ने के लिए, रुक ही नहीं रहा। ओ भैया चश्मा कहाँ है? चश्मा ये वो घर पे है चश्मा। अरे मैया की सासू, हमने नहीं चुराया कुछ भी, हमने नहीं चुराया। हाँ मैडम, हाँ मैडम, बिल्ले एक मिनट साइड हटना जरा, कुछ नहीं होगा, अरे बहुत आसान, खा चलो। नहीं, 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 नहीं। मैडम सर, करिश्मा मैडम ने अपना स्टाइल बदला है थोड़ा। धंधे की कसम ने चोरी नहीं की मैडम। मैडम मैडम मम्मी ये सच बोल रहा है, हमारे धंधे में धंधे की कसम खाकर कोई झूठ नहीं बोलता। छबिल्ला? हाँ। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से बताओ कि कौन किस में स्पेशलिस्ट है और किसको किस में महारत है। अभी बताते, ये देखो ये है छल्ला, खानदानी चोर है हमारे जैसा, लेकिन हमारा लेवल है ना एकदम अप है, मतलब हम बैंक बैंक लूटते हैं, पर इसका लेवल टुच्चू है, ये रास्ते पे पॉकेट मारता है, लेकिन मास्टरी है मास्टरी। लेकिन अभी क्या है ना, धंधा बहुत मंदा चल रहा है, वो अभी डिजिटल हो गया ना सब, लोग कैश वैश रखते ही नहीं है, इसीलिए मंदा है। और ये मिंटू, ऑटोमोबाइल चोर, गाड़ियों के पुर्जे यूं उड़ा लेता है कि गाड़ी को भी नहीं पता चलता कि हमारा क्या क्या उड़ गया है। बहुत बढ़िया बिल्ला, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, हम अपना स्टाइल यूज करें, इससे पहले तुम अपना स्टाइल यूज करके इनसे कबूल करवा लो कि पिंकी और शीना के यहाँ पे चोरी हुआ है, वो इनमें से किसी ने किया है, और जो भी सामान चुराया है ना वो यहाँ पे इस टेबल पे लाके रख दे, वरना मैया कसम वो हाल करेंगे ना, इनकी पीढ़िया भी एक ही बात बोलेगी। दरोगा जी तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा, जानते हो ना।
अगर तुम जानते हो तो काहे नहीं बता रहे हो, काहे नहीं मुंह खोल रहे हो? खुला मौत को दावत का, तुमको अच्छा लगेगा अस्पताल का खाना दो चार महीने तक के लिए खाना? यहाँ का बहुत अच्छा रहते हैं। ए, हम बतिया रहे हैं ना? हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो नहीं अच्छा लगे तो बता काहे नहीं दे रहे हो कि पिंकी भाभी का और सीना भाभी का काका चुराए हो, कब कब कहाँ कहाँ कैसे चुराए हो? कौन पिंकी भाभी, कौन सीना भाभी? पिंकी भाभी और सीना भाभी को नहीं जानते? अभी दिखाते हैं। दिखाते हाँ, ये देखो। ये कौन है दोनों? नहीं जानते ये दोनों कौन? नहीं जानते। हमारे धंधे में मैडम सबके इलाके बटे होते हैं मैडम। अरे बोला बोला। हाँ, बटे होते। कोई भी चोर मैडम दूसरे के इलाके में चोरी नहीं करता। अरे बता ना। नहीं करता। मैडम हम तो आपके पास ही आने वाले थे रिपोर्ट लिखाने के लिए कि हमारे एरिया में चोरी हुआ है। बोला रे। हाँ मैडम, सच में मैडम, पकड़िए ना उस चोर को, डंडे मारिए तीन चार। हमारी भी तो इज्जत का सवाल है मैडम, हम चोरों की भी तो इज्जत होती है। देखो भैया, चोरी हुआ है तो मतलब चोर भी है। अब तुम लोगों में से किसी ने नहीं चुराया तो तुम्हारे भाई बंधु होंगे। कोई तो है जो ये चोरियां कर रहा है। कोई बात नहीं, आराम से प्यार से टाइम लेके इत्मीनान से सोच के 5 मिनट में बताओ कि चोर कौन है। संतोष शर्मा, अब हमें पिंकी और शीना दोनों के अकाउंट्स दिखाइए। कोई फायदा नहीं है मैडम से, मैंने चेक किया, एकदम खाली है अकाउंट। फैंस्टा अकाउंट्स दिखाइए। ओ सॉरी। हाँ तो भैया, एक ही मिनट बचा है आराम से सोचने के लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पता लगा लिया है कि असली चोर कहां मिलेगा। कहां मिलेगा मैडम सर? ऑनलाइन। मैडम सर सामान नहीं है, चोर है, ऑनलाइन कैसे ढूंढेंगे आप? मैडम सर ये लोग पके हुए, छटे हुए, घुटे हुए पुराने पापी हैं। अगर ये लोग नहीं तो इनके भाई बंधु होंगे, खातिरदारी करेंगे ना इनका तो सब खाया पिया उगल देंगे ये लोग। उसकी कोई जरूरत नहीं है करिश्मा सिंह, आप सब जा सकते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि कभी कभी हवाओं के रुख के मिजाज से चिराग जलाना चाहिए, हमेशा हवाओं के गुरूर का आजमाना ठीक बात नहीं। हमने पिंकी और शीना के सोशल मीडिया अकाउंट्स, फैंस्टा अकाउंट, सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। पहली बात कि ये जो कुछ भी खरीदती है ये सीधा ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एक दूसरे के साथ एक स्टूपिड कॉम्पिटिशन के चक्कर में महंगी महंगी चीजें खरीदना, फिर उन्हें खरीदते ही ऑनलाइन पोस्ट करना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोइंग मिले और लाइक्स मिले। लेकिन इस सब के बीच में इन दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये जो भी चोर है इनके अकाउंट्स पर नजर रखे हुए है। ये जैसे ही किसी नई चीज के बारे में पोस्ट करती है, कुछ दिनों में माल साफ। मतलब डिजिटल चोर। संतोष शर्मा और चीता चतुर्वेदी, इन दोनों के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उनके आईपी एड्रेस को ट्रैक करिए। मान गए मैडम सर, लेकिन लेकिन आप भी कमाल की है ना मैडम सर, मतलब खड़े खड़े सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन कर दी। नहीं चीता, असली चुनौती अब शुरू होती है, घास के ढेर में से सुई ढूंढना, पिंकी और शीना के फॉलोअर्स में से असली चोर को ढूंढना। यार सॉरी सॉरी चिकी चिकी लबल बहा चिकी चिकी लबल बहा चिकी।
मैडम सर, ये इनकी आज की एक्टिविटी है, ये नहीं सुधरने वाली है। मूर्ख का दोस्ती जी का जंजाल। करिश्मा सिंह, ये भी देखिए कि हमें कम से कम इतना तो पता चला कि अगली कौन सी चीज है जो चोरी होने वाली है। वाओ, क्या जमाना आ गया। आजकल के चोर मोबाइल में बैठकर सेंध लगा लेते हैं। इल्लू भाई, तुम तो खानदानी चोर हो ना? अरे वो कहाँ खानदान वाला जमाना रहा इकबाल। हम जब चोरी चकारी करते थे तो उसमें मेहनत होती थी, डेडिकेशन होता था, ईमानदारी होती थी। ये आजकल के चोर लोग लोगों के घर में घुसने के बजाय लोगों के मोबाइल में घुसकर चोरी कर रहे हैं। अच्छा हुआ हमारे बाबूजी ये सब देखने से पहले स्वर्ग सिधारे, वरना हमारे बाबूजी अरे बिल्लू ऐसे करके कैसे मोबाइल में घुसते। डिजिटल इंडिया में मैडम। हाँ सर, सर हम नहीं जानते वो आर्टिकल कैसे लीक हुआ। हाँ हमने पढ़ा। देखिए मिस मलिक, इस केस पर सबकी निगाहें टिक चुकी हैं। आप एक काम करिए, ये केस साइबर सेल के हवाले कर दीजिए। नहीं नहीं सर, देखिए हमने इस केस के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है, हम आज के आज ही इस चोर को पकड़ लेंगे। ठीक है मिस मलिक, जो भी करना है करिए। हम सब जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी आप हमें निराश नहीं करेंगे। अरे यार चटनी। चटनी? नहीं, हमने जो चटनी पड़ी है ना उसमें मजा नहीं है। अच्छा अच्छा, 24 घंटे का टाइम देता हूँ चटनी के लिए। अरे नहीं, उस चोर को पकड़ने के लिए। अगर 24 घंटे में वो चोर पकड़ा जाता है तो ठीक, नहीं तो ये केस साइबर सेल के हवाले कर दीजिएगा। नहीं सर, उसकी नौबत नहीं आएगी, हम इस चोर को पकड़ लेंगे। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ? हम बोल रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ नाम बोलिए, कौन कौन बोल रहा है? मतलब आपने कहा ना अभी हम बोल रहे हैं, मैं वही पूछ रही हूँ कौन कौन बोल रहे हैं। ऐसे आवाज तो किसी एक ही लग रही, वो भी जानी पहचानी लग रही है। हमें जड़ बुद्धि, हम बोल रहे हैं हम। पुष्पा जी, आप बोल रही है? तो कब से ये क्या हम बोल रहे हम बोल रहे? आप अमिताभ बच्चन थोड़ी ना हो कि आप बोलोगे हम बोल रहे हो और मैं समझ जाऊंगी कि आप बोल रहे हो। बोलिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रही हूँ तो समझ में आएगा। हम काहे के हेड कांस्टेबल संतु, इस हमारी बहू रानी के चक्कर में सस्पेंड होकर घर पे बैठे मक्खियां मार रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ थाने में क्या चल रहा है? वही साइबर चोर वाला केस चल रहा है, उसी को सॉल्व करने में सब लगे। काश हम भी वहाँ होते संतु, बहुत याद आ रही है हमें हमारी ड्यूटी। आप बताइए आप क्या कर रहे हो? जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी मत पूछो संतु, अब क्या बताए तुम्हें। सुबह उठते ही पहले मलाइका के हाथ की बनी चाय पियो, फिर नाश्ते में क्या बनाना है ये मलाइका को बताओ, फिर नाश्ता करो, फिर दोपहर में खाने में क्या बनाना है ये भी मलाइका को बताओ, और फिर दोपहर का खाना खाओ। पहली बार ऐसा इंसान देखा है जिसको आराम करने में भी इतना तकलीफ है। फिर शाम को उसके हाथ की बनी चाय पियो, उसके बाद फिर फ्रूट सैलेड खाओ, और फिर रात में खाने में क्या बनाना है ये भी बताओ, और फिर रात का खाना खा के। पुष्पा जी एक एक मिनट, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो? ये सब तो आप मलाइका क्या कर रही है वो बता रहे हो। खैर वो सब छोड़ो ना, जरा करिश्मा मैडम को टटोल कर देखो ना कि उनके मन में क्या चल रहा है हमें ड्यूटी पर वापस बुलाने के बारे में। उनको बोल दो कि हमको पहले जब तड़केदार और मसालेदार राजमा चावल मिलेंगे ना, उसके बाद हमारा दिमाग चलेगा और फिर सोचेंगे ड्यूटी पर बुलाना है कि नहीं। पूरा मार्केट में ना खाली एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस साइबर वाला चोर कब पकड़ा जाए। एक बारी पिंकी भाभी और सीना भाभी वाला चोर पकड़ा जाए ना तो मजा आ जाए मैडम। वैसे क्या लगता है आपको, ये हसीना मैडम का प्लान जो है वर्क करेगा? अब भाई हमको क्या मालूम, हवा में तीर छोड़ा उन्होंने, अब लग भी सकता नहीं भी लग सकता, अब हम क्या बोल सकते हैं। पॉइंट। आइए। पुष्पा जी सुन रही थी वो? पुष्पा जी मैडम सर आ गई, साथ में पिंकी और शीना को भी लाइए, मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं नहीं सुन 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 सुन, फोन कट मत करना, हमें भी तो पता चले वहाँ क्या चल रहा है, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही थोड़ा केस से तो जुड़े रहेंगे ना। फोन कट मत करना। तो हम जाने के मुझे जाना। अरे हमको जाना है, तुम हटो। खड़ी रहो यहाँ पर दोनों की दोनों।
जुगाड़ है हमको कोई ये बताएगा हम दोनों को क्यों बुलाया यहाँ पर? एग्जैक्टली ये जानने के लिए कि आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है। अरे इतनी चोरियां हो गई आपके साथ उसके बाद भी आपका शो ऑफ है कि खत्म नहीं हो रहा। कभी महंगा ब्रेसलेट, कभी पर्स, तो कभी ये इतना महंगा नेकलेस, उनके फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं। इससे तो उस चोर का काम आसान हो गया है। सी ऑफिसर, यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर हम लोग ऐसी पिक्चर हर घंटे नहीं डालेंगे ना तो यू नो दम घुटने लगता है, बेचैनी सी हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है हम लोगों को, यू सी। अरे हाँ बिल्कुल सही बोल रही है ये, हमारा तो हाथ पांव कांपने लगता है और हमारा वो खाना पीना भूख सब गायब हो जाता है। जी, और आपके इसी एडिक्शन का फायदा उठाता है वो ऑनलाइन चोर जो बराबर आप दोनों के अकाउंट्स पर नजर रखे हुए, जैसे ही आप कोई नई चीज पोस्ट करती हैं उसे चुराने के लिए सामान मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये पिंकी चोर नहीं है? अरे चोर तुम है, तुम चोर है, चोर कहीं की। शांत शांत शांत, आप दोनों में से कोई भी चोर नहीं है। आपके फॉलोअर्स में से कोई चोर है जिसकी नजर फिलहाल आपके इस ब्रेसलेट और आपके इस महंगे नेकलेस पर है, जिसे वो चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए फिलहाल आप यहाँ पर हमारे साथ इस थाने में रहेंगी हमारी मेहमान बनकर। What? Here? अरे इसके साथ? With this lady? My God. अरे नहीं नहीं, प्लीज कोऑपरेट। करिश्मा सिंह जी, मैडम सर, चलिए उस चोर को पकड़ के लाते हैं। चलना तो पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि तुक्के का तीर है। गलती से लग गया तो फिर कोई होना चाहिए ना वहां पे उनको समझाने के लिए कि जो कानून तोड़ता है, जब उसकी खुद की तोड़ाई होती है ना तो कितना मजा आता है। आइए दीदी आइए। काश हम भी ड्यूटी पर होते तो अच्छा सबक सिखाते उस साइबर चोर को। बदाम भाई, सॉरी मैम। क्या टोपा हो क्या? आंख दिए तो सिर्फ फोन ही देखोगे, वास्तविक दुनिया यहाँ चल रही है भैया। अच्छा हुआ दाग नहीं लगा, अगर हमारी वर्दी पर दाग लग जाता ना तो फालतू में बवाल हो जाता और ये पूरा दुनिया जानती है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हमारा वर्दी पर दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चे हो इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना ना। वरना? वरना क्या हो जाता मैम? बदनाम, अरे मैडम ये किस खुशी में? कितनी बार समझाएं तुमको कि जो चाय है तुम अपना टेबल पे बैठ के पिलाया करो, यहाँ सड़क पे बैठ के नहीं। इस गरीब को मारने से क्या होगा मैम? मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चीते, चीते चतुर्वेदी। हाँ मैडम। डाल इसको हवालात। मैम कुछ घंटे हवालात में रहेगा ना तो अपना पकड़ ठिकाने आ जाएंगे। देखिए मैडम। क्या देखिए मैडम? चल फोन दीजिए, प्लीज आप भी दीजिए मैम। अरे प्रभु दीजिए। मैडम सर ने कहा है फोन आप यूज नहीं कर सकते। अरे मैडम अंदर चल, थाना के सामने खड़े होके पुलिस वाले से पंगल से मारेंगे ना। चल भीतर, अंदर चल, चल भीतर। क्या ये कैदी है? ये कैदी? अरे इस थाने में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तुम जब चाहो किसी को भी पकड़ कर मेरे बिल्लू निवास में पटक दोगे। अरे मेरी भी एक प्राइवेसी होती है, एक स्पेस होती है। मैं कुछ बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कुछ भी हो। देखो मैं अपना बिल्लू निवास किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। इसको अभी का अभी बाहर निकालो। ए निकल 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 निकल। करिश्मा मैडम बोली है। अरे करिश्मा मैडम बोली तो क्या क्या करूंगा मैं? कुछ भी नहीं, रखू लेकिन कम टाइम के लिए रखो प्लीज। अच्छा एक बात बताना, क्या लगता है आपको कि कौन केस सॉल्व करेगा इस बार, करिश्मा मैडम या हसीना मैडम? संतु जी पूरा थाना में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ना? कभी कोई था ना कभी होगा, तो आप ही बताइए ना कौन जीतेगा। भगवान पकड़ेगा? नहीं सोच रही हूँ मैं।
आप सोचती भी कितना अच्छा है ना। अच्छा अच्छा सोचती है ना संतु जी, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा सोचती है। बताइए ना क्या सोच रही है। यही कि कितने बार इतने अच्छे से हसीना मैडम ने केस सॉल्व किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम कामली हर एक केस को सॉल्व करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी ना हसीना मैडम ही सॉल्व करेगी। वाओ, इतना गहरा सोचने के बाद एकदम नया सोचा। हमको ऐसा लगता है ना संतोष जी कि इस बार ना शायद करिश्मा मैडम ना वो पकड़ेंगे। हमारा छठा इंद्री बात कर रहा है। एग्री करिश्मा मैडम ही ये केस सॉल्व करेगी। ओ मैडम मैडम, फोन नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सो सॉरी। फोन। मैडम सर का ऑर्डर, आई एम सॉरी। अरे हमारा बात तो सुनिए, हमको बस अपना फॉलोवर्स चेक करना है कि इससे ज्यादा बड़ा है कि नहीं, फिर वापस ले लेना। एक्सक्यूज मी मैम, इवन मी टू भी, मुझे अपने फैन इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स चेक करने हैं। तड़प रहे होंगे ना, कितनी देर से मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली। प्लीज मैम, ओनली 2 मिनट्स। बट नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। नो नो मींस नो, NO, दैट्स इट। करिश्मा सिंह, जैसा कि हमने प्लान किया था, हम इसे जिसका भी आमना सामना उस चोर से होगा वो दूसरे को सिग्नल देगा। और सिग्नल कैसे देना है? जो हम दोनों के पास सीटी है उसे 3 बार बजा के। क्लियर? जी मैडम सर। पर इस बात का क्या गारंटी है कि चोर यहाँ आएगा? करिश्मा सिंह, अगर आपने उस चोर का पैटर्न ऑब्जर्व किया होता तो आप ये समझ जाती कि वो फोटो पोस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर चोरी करता है। हमें पूरा यकीन है कि इस बार भी वो यही करेगा। आपके कहने का मतलब है कि चोर सिर्फ चोरी नहीं करता है, उसको चैलेंज देना भी पसंद है। एग्जैक्टली। तजुर्बा कहता है हमारा कि कामयाबी इंसान को थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट तो बना ही देती है, उसे चैलेंजेस में मजा आने लगता है। और अब यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें उस चोर तक पहुंचाएगा, पहुंचाएगा भी, उसे फंसाएगा भी। बस आप सीटी संभालिए और वक्त रहते हमें इशारा कर देना। जी मैडम सर। माफ करना मैडम सर, लेकिन इस बार चोर को तो SHO करिश्मा सिंह ही पकड़ेगी। हेलो करिश्मा सिंह, क्या हुआ? अरे रुको। अरे